शुरुआत करेंगे खबरों की। लखीमपुर खीरी में 12 साल की नाबालिग की गला दबाकर हत्या का मामला सामने आया है। लखनऊ जोन के आईजी लक्ष्मी सिंह मंगलवार की देर शाम घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने क्राइम स्पॉट वाली जगह पर एसपी संजीव सुमन और एएसपी अरुण कुमार सिंह के साथ बारीकी से निरीक्षण किया। आईजी ने घटनास्थल देखने के बाद मीडिया को बताया कि यह गैंगरेप नहीं है, बच्चे की आंखें भी नहीं फोड़ी गई है। सॉस को गई नाबालिग से हुई जघन्य वारदात को आईजी ने मौका वारदात पर सबसे पहले पहुंचे और पुलिस और महिला पुलिसकर्मियों से भी पूछताछ की। आईजी ने पीड़ित परिजनों से भी मुलाकात की और कहा कि शव के पोस्टमार्टम के बाद कई चीजें साफ हो जाएंगी। आईजी ने सवाल उठाया कि घर में शौचालय है, फिर लड़की बाहर गन्ने के खेत में शौच को क्यों गई थी, ये अभी जांच का विषय है। जानकारी देते हुए आईजी लक्ष्मी कहती हुई नजर आई कि चलती सड़क से 200 मीटर अंदर दिनदहाड़े कैसे कोई इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है, ये भी जांच का विषय है। आईजी ने कहा कि परिजनों ने गला दबाकर हत्या की बात कही है। संदेह के आधार पर परिजनों द्वारा बताए गए कुछ लोगों को उठाया गया है। वहीं अब इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। गला दबाकर बच्चे की हत्या हुई है, बच्चे के साथ कुछ घटना गलत तरीके से नहीं हुई है, इस बात की पुष्टि अभी नहीं हो सकती। हालांकि पोस्टमार्टम का इंतजार है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एसपी संजीव सुमन आईजी ने गैंगरेप की बात से इनकार करते हुए कहा कि अभी गैंगरेप जैसी बात सामने नहीं आई है। परिजनों के पुलिस से अभद्रता के आरोप को भी आईजी ने नकारा है। आंख फोड़ने वाली बात से भी आईजी ने इनकार किया और कहा कि स्टिमुलेशन में आंखों में ब्लीचिंग आ जाती है। गाँव के लोगों और परिजनों से बात की जा रही है, पूछताछ भी की जा रही है। देखिए, इसमें हम लोगों ने जैसी तहरीर प्राप्त हुई है केस लिखा है, मौके का परीक्षण किया गया है, फोरेंसिक टीम के द्वारा भी इस घटनास्थल का परीक्षण कर सैंपल्स उठाए गए हैं, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है, आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। संदेह के आधार पर परिजनों द्वारा बताए गए संदेह के आधार पर कुछ लोग उठाए गए हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। घटना के अन्वेषण के लिए अलग से टीम और रेंज की सर्विलांस की टीम को भी लगाया गया है। टॉमसन्स ग्रुप में स्वर्गीय श्री रामलाल खन्ना जी के 170वीं जयंती तथा 70वें स्थापना दिवस के मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन लोकहित ब्लड बैंक के सहयोग से टॉमसन्स ग्रुप के मुख्य कार्यकाल नुनाही में संपन्न हुआ। इस ब्लड डोनेशन कैंप में 117 लोगों ने ब्लड डोनेट किया। कैंप का उद्घाटन टॉमसन्स ग्रुप के चेयरमैन श्री विजय खन्ना जी एवं मैनेजिंग डायरेक्टर किशोर खन्ना और डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ललित खन्ना के कर कमलों से किया गया। ताजनगरी आगरा में बुधवार की सुबह प्लास्टिक मुक्त अभियान की शुरुआत कर दी गई। आगरा के दशहरा घाट पर आगरा नगर निगम ने इस अभियान की शुरुआत की, जिसको वृद्धजन जागरूकता अभियान नाम दिया गया है। हालांकि इस दौरान शहर के लोगों के साथ ही महापौर नवीन जैन, नगर आयुक्त निखिल टीफुंडे, अपर नगर आयुक्त सुरेश यादव के साथ ही निगम के समस्त आला अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान महापौर के द्वारा लोगों को शपथ दिलाई गई और हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई है। वहीं प्लास्टिक की अर्थी निकालकर लोगों को जागरूक भी किया गया। उदयपुर की घटना को लेकर पूरे देश के हिंदुवादी संगठनों में आक्रोश है। बुधवार को उदयपुर की घटना के विरोध में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर आकर उदयपुर में हिंदू युवक की हत्या करने वाले हत्यारों के पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कड़ी में बुधवार को नामनेर स्थित बजरंग दल कार्यालय पर मौजूदा दर्जनों कार्यकर्ताओं ने हत्यारों का पुतला दहन की कोशिश की, मगर स्थानीय पुलिस को पुतला दहन कार्यक्रम की सूचना मिल गई। मौके पर पहुंचे पुलिस ने हिंदुवादियों से पुतला छीन लिया। औरैया में आयाना थाना क्षेत्र के अतौल गांव में एक घर में छत के रास्ते से घुसकर चोरों ने नगदी और जेवर लूट लिए। सुबह खेतों पर जब परिवार पहुंचा तो युवक ने चोरी की जानकारी परिजनों को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की है। बलरामपुर में एम्बुलेंस से अयोध्या दर्शन पर स्वास्थ्यकर्मी गए। तुलसीपुर सीएससी की एम्बुलेंस बताई जा रही है। स्टाफ नर्स और पायलट समेत 4 लोग एम्बुलेंस में मौजूद थे। मेडिकल अफसर के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। अयोध्या में खड़े एम्बुलेंस की फोटो तेजी के साथ वायरल हो रही है। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष फिरोज पप्पू हत्याकांड में जेल में बंद सपा नेत्री रिहा हुई है। जेबा रिजवान को हाईकोर्ट
लखनऊ ने जमानत दे दी है। एक बार पहले भी जेवर रिजवान को जमानत मिल चुकी है। रहा के ठीक पहले पुलिस और जिला प्रशासन ने रासुका लगाई थी। जल्द से रिहा होने के बाद तुलसीपुर पहुंची जेवा और अपने समर्थकों से मुलाकात की है। जेल में अभी भी जेवा के पिता निरुद्ध हैं और पति रमीज खान भी वहां पर बंद हैं। महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र के अनुपालन में बचपन बचाओ आंदोलन बुलंदशहर में चलाया गया। बाल श्रम निषेध के खिलाफ अधिकतम संख्या में बाल श्रमिकों को बचाने के लिए अभियान चलाया गया है। अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक थाना ASTU प्रभात कुमार, श्रम परिवर्तन अधिकारी सुभाष सिंह, बाल संरक्षण अधिकारी अमित कुमार, चाइल्ड लाइन की गुरिस्ता द्वारा संयुक्त रूप से जनपद के विभिन्न स्थानों का निरीक्षण भी किया गया। बुलंदशहर के थाना कुर्जा देहात के ग्राम वाजिदपुर निवासी रिजवान खान को भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देते हुए गाली गलौज की है। प्रशासन से बिखौफ रिकॉर्ड ऑडियो में अपनी दबंगई प्रदर्शित करता नजर आया है भाकी महाशक्ति का राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह। पीड़ित रिजवान ने बताया कि मेरी सेंट्रो गाड़ी से सामान चुराकर अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ भी की है। बुलंदशहर से आना क्षेत्र के गांव खरकाली में तालाब से अवैध कब्जा हटाने पहुंची प्रशासनिक टीम के साथ दबंगों की मारपीट और तोड़फोड़ तहसील से आना क्षेत्र के गांव खरकाली में दिखाई दी है। तालाब पर कुछ दबंगों ने अवैध तरीके से अतिक्रमण पर कब्जा किया हुआ था। सूचना पर जब सरकारी मशीनरी हरकत में आई तो अधिकारियों ने अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए यहाँ पर JCB भेजी है। JCB चालक ने तालाब से अतिक्रमण हटाया तो अतिक्रमणकारियों ने दबंगों से मशीन चालक के साथ मारपिटाई की है। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। बुलंदशहर के नगर सिकंदराबाद में स्थित चौकी की जर्जर पड़ी छत दीवार आदि की जन सहयोग से चौकी प्रभारी धर्मेंद्र सिंह यादव ने मरम्मत कराई है। प्रभारी ने चौकी में सेवा दे रहे सिपाहियों के लिए जर्जर पड़े बैरक कक्ष को वॉल पुट्टी पुताई कराकर पूरी तरह से नया बना दिया है, साफ सुथरा करा दिया है। जनसहयोग से करीब 50,000 रुपये की कीमत यहां पर जुटी थी जिसके बाद चौकी की मरम्मत हो सकी है। बुलंदशहर के गांव अलियापुर में गैर संप्रदाय के 3 युवकों ने मां और उसके 2 नाबालिग बेटी को अगवा कर लिया। थाना चोला चौकी क्षेत्र के गांव अलियापुर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। पीड़ित पति जो है अपनी पत्नी और बेटियों की बरामदगी के लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहा है लेकिन अब तक कोई आश्वासन नहीं मिल पाया है। हमीरपुर में दर्जनों महिलाओं और पुरुषों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी SP को ज्ञापन सौंपा और गांव के एक दबंग द्वारा मनरेगा के कामों में रुकावट पैदा करने की शिकायत की है। महिलाओं ने बताया कि दबंग अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती हैं और काम के दौरान जबरन उनका वीडियो बनाते हैं। मैनपुरी में रहने वाली 3 सगी बहनें अपने घर से अचानक लापता हो गई। सुबह जानकारी होने के बाद उनके परिजन परेशान हो गए। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस किशोरों की तलाश में जुट गई है। हालांकि अभी तक 3 का सुराग नहीं लग सका है। मुरादाबाद की जेलों में सजा काट रही महिला बंदियों के साथ रह रहे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास सही प्रकार से हो इसको लेकर मुरादाबाद जनपद के जिला कारागार ने अनूठी पहल पेश की है। दरअसल जिला कारागार में महिला बंदियों के साथ रहने वाले बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए चिल्ड्रन पार्क बनाया गया है जो आधुनिक झूलों और खेल खिलौने से लैस है। कारागार में चिल्ड्रन पार्क बनने से बच्चे बहुत खुश है। वहीं वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश कुमार शर्मा का कहना है कि जेल में सजा काट रही महिलाओं के साथ रह रहे बच्चों का शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहे इसके लिए जरूरी है कि उनको अच्छा माहौल दिया जाए। पर्यावरण संरक्षण के लिए 1 जुलाई से प्रतिबंधित की जा रही सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने के लिए नगर निगम एक्टिव मोड में दिखाई दे रहा है। नगर निगम ने शहरवासियों को जागरूक करने के लिए NCC और स्थानीय लोगों के सहयोग से जन जागरूकता रैली निकाली जिसका शुभारंभ नगर निगम की मेयर अनिता ममगई और नगर आयुक्त GC गुणवंत ने हरी झंडी दिखाकर किया है। सहारनपुर के बेहट में राजस्थान में एक युवक की निर्मम हत्या किए जाने के विरोध में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन
तहसीलदार को सौंपी है। सहारनपुर में उदयपुर में जो घटना हुई है उसको लेकर काफ़ी गुस्सा दिखाई दे रहा है। शामली के गांव काबड़ौत में अग्निवीर योजना के विरोध में युवा पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायत को संबोधित करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी पहुंचे थे। वहीं जयंत ने मंच से युवाओं को अग्निवीर को युवाओं के भविष्य के साथ धोखा बताया। इस योजना को युवाओं का भविष्य अंधकार की ओर ले जाने वाली योजना भी कहते हुए वो नजर आए और कहा कि अगर सरकार जिद्दी है तो हम उससे ज़्यादा जिद्दी हैं। में विधानसभा चुनाव 2022 में मतदाता जागरूकता से लेकर सकुशल निष्पक्ष मतदान कराए जाने के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में चुनाव में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों को जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं एडीएम कमलेश चंद्र और उपस्थित अन्य अधिकारी कर्मचारियों द्वारा जिलाधिकारी नेहा प्रकाश को स्मृति चिन्ह तथा अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया है। श्रावस्ती जिले में हो रही बारिश के चलते राप्ती नदी उफान पर है। खतरे के निशान से 60 सेंटीमीटर ऊपर राप्ती का जलस्तर पहुंच गया है। राप्ती का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है, जिसकी वजह से आम जनता परेशान है। हालांकि रुक रुक कर हो रही बारिश से गर्मी से राहत तो जरूर मिली है, लेकिन किसानों के लिए आम लोगों के लिए कहीं ना कहीं बारिश आफत बनकर बरस रही है। और अब खबर सुल्तानपुर से, जहां मंगलवार को सनसनीखेज वारदात से हड़कंप मच गया, जहां लंबा कोतवाली क्षेत्र में दिनदहाड़े मां बेटी की निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस कप्तान के चार्ज लेते ही दोहरे हत्याकांड से पुलिसिंग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बुधवार को पिलर घाटी के नारायण भगत बाजार में जिलाधिकारी के निर्देश पर नायब तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व पुलिस रेगुलर पुलिस एवं स्वास्थ्य महकमे के डॉक्टरों ने दवाओं की दुकान में औचक निरीक्षण कर दवाओं के एक्सपायरी डेट और नशीली दवाओं की स्थिति देखी है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।